What's up governors, Rise Up Kingdoms के एक और एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही बेसिक चीज सिखाने वाला हूँ, जो कि बहुत लोगों को अभी तक डाउट है, बहुत लोगों को अभी तक पता नहीं है। तो उसको जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले, मतलब कंप्लीट देखने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं राइज अप किंगडम्स का वीडियोज बनाता रहता हूँ। ओके, तो अभी हम लोग बात करेंगे हमारे इस वीडियो के टॉपिक के बारे में, जो कि है हाउ टू टेलीपोर्ट। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, हो सकता है कि आप लोगों को ऑलरेडी इसके बारे में मालूम है, लेकिन बहुत लोगों को अभी तक इस चीज के बारे में ठीक से मालूम नहीं है। उनको किस तरह से टेलीपोर्ट करना है, वो कौन से जगह सही होगा, बहुत जगह में वो लोग टेलीपोर्ट क्यों नहीं कर पाते, इन सब क्वेश्चंस के बारे में मैं आप लोगों को आंसर इस वीडियो में दूंगा। ओके, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। ओके, तो हमारा टेलीपोर्ट जो है वो कितने सारे टेलीपोर्ट होते हैं, हम लोगों के पास चार तरह का टेलीपोर्ट होता है यहाँ पे, चार तरह का। जी हाँ, लेकिन अगर आप लोग अपने आइटम्स पे जाके अदर पे देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई पड़ेगा तीन टेलीपोर्ट। एक तो टारगेटेड टेलीपोर्ट, जिससे आप लोग टारगेट करके किसी भी जगह पे जा सकते हैं। दूसरा रैंडम टेलीपोर्ट, जिससे आप लोग अगर यूज करते हैं तो कहीं भी यहाँ पे बेस के कहीं भी ऑटोमेटिकली टेलीपोर्ट होकर जा सकते हैं, और उसमें आपका कंट्रोल नहीं रहता है, वो कहीं पे भी जा सकते हैं। लेकिन आपका क्या है, मतलब कंडीशन ये है कि आप लोग जहाँ पे है उसी जोन पे जा पाएंगे, या फिर अगर नेक्स्ट जोन पे जाना चाहते हैं तो आप लोगों के पास नेक्स्ट जोन पे जाने का जो पास है, लेवल 1 पास हो, लेवल 2 पास हो, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, जो भी पास हो, जो भी पास नेक्स्ट जोन पे जाने के लिए चाहिए, वो पास आप लोग कैप्चर करके रखना पड़ेगा, तो ही चांस है कि आप नेक्स्ट जोन पे जा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग रैंडम टेलीपोर्ट यूज करके नेक्स्ट जोन पे जा ही पाएंगे, उसका कोई गारंटी नहीं है। वो आप लोग सेम जोन पे भी रह सकते हैं, आप लोग नेक्स्ट जोन पे भी जा सकते हैं। ओके, अभी तीसरा टेलीपोर्ट है आपका टेरिटोरियल टेलीपोर्ट। ये टेरिटोरियल टेलीपोर्ट क्या है, आप लोगों का टेरिटोरियल टेलीपोर्ट से आप लोग अपने टेरिटोरी पे टेलीपोर्ट होकर जा सकते हैं, अपने अलायंस के टेरिटोरी पे, बस अपने अलायंस के टेरिटोरी पे है अलायंस, मतलब टेलीपोर्ट करके जा सकते हैं, किसी दूसरे अलायंस के टेरिटोरी पे आप लोग जा नहीं सकते। ओके ओके, और आपका यहाँ पे जो चौथा है, चौथा आपका यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो चौथा है बिगिनर्स टेलीपोर्ट, जो कि गेम के अर्ली स्टार्टिंग पे रहता है। आप लोग CH8 पे जाते ही वो टेलीपोर्ट गायब हो जाता है, वो आपके पास नहीं रहता है, तो वो नए बेसिस पे आप लोगों के पास रहेगा, और उससे आप लोग बहुत ही ज्यादा कर सकते हैं। सबसे स्पेशल तरह का टेलीपोर्ट है, जिसको यूज करके आप लोग किसी दूसरे किंगडम तक भी जा सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है, वहां पे भी कंडीशन है, दूसरे किंगडम पे जाने का कंडीशन ये है कि वो किंगडम आपके कंटिनेंट पे होना चाहिए। तो आपके कंटिनेंट पे होना चाहिए का मतलब क्या है, आप लोग जूम आउट करके देखिए, जूम आउट कीजिए तो नीचे आप लोगों का अर्थ वाला आइकन आया है ना, यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे तो आप लोग कंटिनेंट का लिस्ट दिखाता है। तो मेरा कंटिनेंट, जैसा कि मेरा किंगडम कहाँ पे है, मैं नीचे जाता हूँ तो ओके, तो मेरा किंगडम यहाँ पे देखिए, हाँ ये किंगडम ऑफ अलाता, एक्चुअली मैं किंगडम ऑफ अलाता से हूँ, 1258। एक्चुअली मैं अभी लॉस्ट किंगडम पे हूँ, इसीलिए यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, लेकिन मैं किंगडम ऑफ अलाता से हूँ, और यहाँ पे 1261 पे मेरा एक दूसरा बेस है, इसीलिए यहाँ पे दिखा रहा है कि किंगडम ऑफ थोबाई, ओके थोबाल सॉरी। तो यहाँ पे मैं अगर टेलीपोर्ट, मतलब मान लीजिए मेरा बेस 1261 पे है ना, तो मैं अगर इस बेस को बिगिनर टेलीपोर्ट यूज करके किसी दूसरे किंगडम पे जाना चाहता हूँ, तो इसी 8 किंगडम में से किसी किंगडम पे जाना पड़ेगा। ओके, तो एक्चुअली मेरा जो बेस था, मैंने जब स्टार्ट किया था, मेरा ओरिजिनल बेस गेम स्टार्ट किया था, तब मैं 1264 में मेरा ऑटोमेटिकली आ गया था। ओके, लेकिन मैंने बिगिनर टेलीपोर्ट यूज करके 1258 पे चला आया, मुझे तब पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, सच में ये बात सच है कि मैं पता नहीं मुझे कि तब मैं क्या कर रहा था, लेकिन मुझे, मैंने 1264 से 1258 पे बिगिनर टेलीपोर्ट यूज करके आ गया। ओके, और आने से मेरा फायदा भी हुआ, 1264 से 1258 ज्यादा स्ट्रॉन्ग अलायंस, सॉरी
ज्यादा स्ट्रॉन्ग किंगडम है। ओके, अगर आप लोग 1264 है, से है तो ऑफेंड मत होइए, मैं आप लोगों को ऑफेंड करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन 1258 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने केवी के दो केवी के 1264 के साथ दो केवी के उनके अगेंस्ट खेला है, तो इसीलिए मुझे मालूम है कि हमारा किंगडम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, सो आप लोग यहाँ पे मेन चीज लेने वाला एक चीज क्या है कि आप लोग अपना बिगिनर टेलीपोर्ट यूज करके अपने कॉन्टिनेंट के अंदर ही मतलब अपने कॉन्टिनेंट के अंदर वाले किसी किंगडम पे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे दिखा देता हूँ एकदम नए वाले पे, यहाँ पे 6 किंगडम है ना, आप अगर 2009 पे है तो यहाँ से टेलीपोर्ट होकर 2014 पे जा सकते हैं। ओके, और मान लीजिए आप यहाँ पे 2005 पे है तो टेलीपोर्ट होके 2002, 2003, 2004, 2001, 2006, 2007, 2008 तक जा सकते हैं, लेकिन आप लोग 2009 पे नहीं जा सकते क्योंकि वो दूसरे किंगडम का दूसरे कॉन्टिनेंट का किंगडम है। ओके, आई होप आप लोगों को चारों तरह के टेलीपोर्टेशन के बारे में पता चल गया होगा। अभी हम लोग आप लोगों को टेलीपोर्ट करके दिखाएंगे कि कैसे करते हैं। ओके, तो अभी मैं इसी दौरान मैंने अपना बेस चेंज करके मेन बेस चेंज करके अपने फार्म बेस पे चला आया पैराडॉक्स फार्मिंग पे। ओके, अभी हम लोग टेलीपोर्ट करेंगे। टेलीपोर्ट करने के लिए हम लोगों का कंडीशन ये है कि मैं किसी भी मेरा ट्रूप बाहर नहीं होगा, लेकिन अगर मेरा ट्रूप अपने अलायंस के किसी फ्लैग पे हो तो चलेगा, फ्लैग पे या फिर अपने अलायंस ग्रेनरी या फिर मतलब अलायंस रिसोर्स पीट पे हो या फिर किसी अलायंस के फ्लैग पे या फिर अलायंस फोर्ट्रेस पे, इन जैसी जगह बिल्डिंग्स के अंदर हो मेरा कोई ट्रूप तो मैं टेलीपोर्ट कर पाऊंगा। लेकिन अगर कोई बाहर ऐसे ही घूमता रहता है या फिर फार्मिंग करता रहता है इस तरह का, मैं उस कंडीशन पे टेलीपोर्ट नहीं कर पाऊंगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ, जैसे कि ये ट्रूप मेरा बाहर है, अभी मैं अगर टेलीपोर्ट करना चाहता हूँ, मान लीजिए मैंने टेलीपोर्ट करने के लिए कोशिश किया, तो टेलीपोर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप लोग यहाँ पे ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड ऊपर वीआईपी 8 के साइड में एक एरो का निशान है ना, यहाँ पे आप लोग क्लिक कीजिए तो आप लोगों को यहाँ पे टेलीपोर्ट का ऑप्शन आएगा, टेलीपोर्ट पे क्लिक कीजिए। ओके, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ऑल ट्रू मतलब यहाँ पे बता रहा है कि मेरा कोई ट्रूप बाहर है इसीलिए मैं टेलीपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे इस ट्रूप को अंदर लेना पड़ेगा। ओके, तो तब मैं टेलीपोर्ट कर पाऊंगा। लेकिन मेरा अगर ट्रूप किसी अलायंस ग्रेनरी पे हो या फिर किसी अलायंस फ्लैग पे हो तो मैं टेलीपोर्ट कर पाऊंगा क्योंकि वो कोई अलायंस बिल्डिंग है, तो अलायंस बिल्डिंग के अंदर अगर होगा किसी भी अलायंस बिल्डिंग के अंदर तो मैं टेलीपोर्ट कर पाऊंगा, लेकिन किसी दूसरे गवर्नर के सिटी के अंदर हो तो मैं टेलीपोर्ट कर नहीं पाऊंगा। तो अभी मैं अगर क्लिक करता हूँ तो मुझे टेलीपोर्ट करने की ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे देखिए मैं टेलीपोर्ट कर पाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं यूज करता हूँ तो मेरा यहाँ पे टारगेटेड टेलीपोर्ट नहीं, मेरा अलायंस टेरिटोरियल टेलीपोर्ट यूज होगा। ओके, तो अगर मैं अभी टेलीपोर्ट करता हूँ तो टेरिटोरियल टेलीपोर्ट यूज होगा, लेकिन मेरे पास टेरिटोरियल टेलीपोर्ट नहीं है इसीलिए टारगेटेड टेलीपोर्ट यूज हो रहा है। अगर आप लोगों के पास मतलब दूसरा कोई टेलीपोर्टेशन नहीं होता, मतलब अलायंस टेरिटोरी पे ही टेलीपोर्ट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास अलायंस टेलीपोर्ट मतलब टेरिटोरी टेलीपोर्ट नहीं है, तो आप लोगों का टारगेटेड टेलीपोर्ट एक यूज होगा। ओके, तो अभी मैं अगर टेलीपोर्ट करता हूँ तो मैं दो तरीके से कर सकता हूँ, तो एक तो एरो को क्लिक करके टेलीपोर्ट क्लिक करके यहाँ पे टेलीपोर्ट करता हूँ तो ऐसा किसी खुले जगह में आके टेलीपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन मैं दूसरा ऑप्शन भी है, यहाँ पे आइटम्स पे जाके मैं यहाँ पे अदर पे जाके यहाँ पे मैं टेलीपोर्ट पे यूज क्लिक करूँ तो भी हो सकता है। आप मैप के किसी भी जगह पे जाइए, जाने के बाद आप लोग कीजिए तो होगा, लेकिन कोई टेरिटोरी के अंदर ही करना पड़ेगा, आप लोग ओपन जगह में मैं नहीं कर पाऊंगा। ओके ओके, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि किसी भी बिल्डिंग के पास अगर आप लोग जाते हैं, कोई बिल्डिंग आप लोगों का अगर रहता है यहाँ पे, जैसे आप लोग रेड मार्कर के अंदर पड़ते हैं तो आप लोग टेलीपोर्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोई जंगल हो तो उसके ऊपर टेलीपोर्ट कर पाएंगे जंगल के ऊपर, लेकिन अगर कोई बारबेन जैसे कि यहाँ पे बारबेन ग्रुप है तो यहाँ पे टेलीपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कोई जंगल हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ओके यहाँ पे ये वाला रेड से बाहर निकलता हुआ, ये देखिए रेड से बाहर निकल गया, लेकिन यहाँ पे जंगल ये मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दे रहा है। मैं टेलीपोर्ट होता हूँ तो जंगल से मैं बाहर ही टेलीपोर्ट हो जाऊँगा, मतलब जंगल यहाँ से हट जाएगा। ओके देखिए यहाँ पे मैं टेलीपोर्ट कर चला जाता हूँ तो यहाँ पे जंगल से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है मेरे को। ओके, तो मैं किसी भी दूसरे जंगल के ऊपर भी टेलीपोर्ट कर पाऊंगा, आपको यहाँ से आइटम्स पे जाके आप लोग टेलीपोर्ट कर पाएंगे, अदर पे चाहिए
यहाँ पे टारगेट टेलीपोर्ट को क्लिक कीजिए, ऐसे आप लोग ऐसे आके भी टेलीपोर्ट कर पाएंगे। देखिए जंगल के ऊपर भी मैं टेलीपोर्ट कर पाऊंगा, ओके। और अगर मैं रेंडम टेलीपोर्ट यूज करता हूँ तो मैं किसी भी जगह में रेंडमली चला जाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं अदर पे जाके रेंडम टेलीपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, यूज करता हूँ, तो मुझे पूछता नहीं कि मैं कहाँ पे जाना चाहता हूँ, ये डायरेक्ट ऑटोमेटिकली कहीं पे भी इमेज मुझे लेके जाएगा, ओके। तो इसी तरह से आप लोग किसी भी दूसरी जगह पे आप लोग टेलीपोर्ट कर पाएंगे, रेंडमली टेलीपोर्ट कर पाएंगे रेंडम टेलीपोर्ट को यूज करके। लेकिन आप लोगों को ये अपने अगर अपने मर्जी से आप लोगों को अपने जगह पे नहीं लेके जाएगा, मतलब आपके मर्जी के जगह में नहीं लेके जाएगा, ये कहीं भी रेंडमली कहीं भी लेके जाएगा, ओके ओके। अभी मैं अगर फिर से अपने टेरिटरी पे आना चाहता हूँ तो मुझे ऐसे आके यहाँ पे टेलीपोर्ट पे क्लिक करके मैं यहाँ से टेलीपोर्ट हो सकता हूँ। और यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर है शायद, यहाँ पे टेरिटोरी से बाहर हुई, इसलिए नहीं कर पाया, थोड़ा अंदर आता हूँ तो टेलीपोर्ट में कर पाऊंगा, ओके। ये देखिए मैं टेलीपोर्ट कर पाया, ओके। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं राइज अप किंगडम्स का वीडियो बनाता रहता हूँ, ओके। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।